फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिफाई। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस सीरीज में हम वन बाय वन ऐसा करेंगे, सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन बाय वन। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कैट 2021 स्लॉट 2 में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे कि सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता था। तो देखिए, राज इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़, कोई फंड में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस, फर्स्ट ईयर में उसे कुछ लॉस होता है, बट हिज बैलेंस वॉज मोर देन 5,000। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 से 5,000 तो ज़्यादा रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% से तो कम ही लॉस होता है उसे, ठीक है। दिस बैलेंस व्हेन इन्वेस्टेड, जो ये बैलेंस बचा हुआ है फर्स्ट ईयर के बाद जो बैलेंस बचा उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर द अनदर ईयर, एक साल के लिए और, एंड ग्रू एंड द परसेंटेज ऑफ जो बैलेंस हुआ वो मेरा बढ़ा, और कितना बढ़ा, द परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर वॉज 5 times। जो मेरा लॉस 5 times, जो मेरा एक्स लॉस था, सपोज मेरा फर्स्ट ईयर में एक्स लॉस था, तो सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया कितना हो गया, 5 times प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 5 times। तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, 5 times ऑफ द परसेंटेज लॉस इन द फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ द गेन ऑफ द राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 year पीरियड इज 35%, टोटल जो हमारा गेन है वो कितना हुआ, 35%, दोनों सालों का जो गेन मिला के हुआ 35%, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर इज, तो फर्स्ट ईयर में हमें कितना लॉस हुआ था वो हमें जानना है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सपोज मेरा सपोज मैं 2 year ले लेता हूँ, फर्स्ट ईयर ओके एंड सेकेंड ईयर ओके, तो मेरा हुआ x परसेंट लॉस, ये क्या है, लॉस है ओके। और सेकेंड ईयर में मेरा क्या हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा 5 times क्या हुआ प्रॉफिट, तो 5 times जो x परसेंट लॉस था उसी का कितना, 5 times, तो 5x%, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए, सपोज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट मैं ले रहा हूँ इज इक्वल टू पी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने इन्वेस्ट किया, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर जो ये मेरी अमाउंट है वो क्या बन जाएगी, मेरे को जो लॉस हुआ कितना परसेंट का हुआ है, एक्स परसेंट का, तो ये अमाउंट बन जाएगी पी इंटू 1 - x ओके, ठीक है। अब मैं इसी अमाउंट को सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो कितना दे रहा है मुझे, 5x% प्रॉफिट दे रहा है, तो ये मेरी अमाउंट कितनी बन जाएगी, पी इंटू 1 - x, ये तो मेरी प्रीवियस अमाउंट। अब मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5x टाइम प्रॉफिट, तो 1 + 5x, और ये क्या है, परसेंट, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या, एक्स परसेंट और 5x%। अब क्या बोला है मुझे कि जो दोनों सालों का जो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 year पीरियड इज 35%, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 35%, और इन्वेस्ट कितना किया उन्होंने, 10,000 रुपीज, तो 10,000, तो 35 कितना होगा, 1.35% प्रॉफिट हुआ है। तो और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू जो मेरी फाइनल वैल्यू है इसके बराबर होगी, तो पी इंटू 1 - x इंटू 1 + 5x, तो ये है हमारा इक्वेशन बनी। अब देखिए, इस इक्वेशन को मैं सोल्व करने जाऊंगा तो टिपिकल बनेगा, लेकिन अगर मैं ऑप्शन के थ्रू इस इक्वेशन में जाऊं, तो सपोज लाइक मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया तो यहाँ पे कितना हुआ, 0.9, वो 10% है, ठीक है, परसेंटेज, ये जो भी लिखा हुआ है ये परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, परसेंटेज, तो 10% है, तो 1 - 10% मतलब 0.90, और 1 + 5x मतलब 10% मतलब 1.5, तो ये कितना बन जाएगा, 0.9, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 0.9, और दिस वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1.5, और 1.5 को अगर मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल बी कम आउट एज 1.35, और P तो मेरा क्या है, 10,000 था, तो इस P को मैं P ही रख लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ओके, तो P कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 10%, तो जो लॉस हुआ था वो फर्स्ट ईयर में कितना था, 10% लॉस हुआ था। तो देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अमल परचेजेस सम पेंस एट द ₹8, ओके, 8 रुपीज़ पे कुछ पेन खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 8 रुपीज़, ठीक है। टू सेल दिस ही हायर्स एन एम्प्लॉय, उनको सेल करने के लिए वो एक एम्प्लॉय हायर करता है, ठीक है, एट ए फिक्स्ड वेज, कोई भी एक फिक्स वेज है, ठीक है,
he sells 100 of these pen at 12 rupees, मतलब 100 pens को वो 12 rupees पे बेचता है, ठीक है। If the remaining pens are sold at the RS 11, और जो बचे हुए pen हैं वो rupees 11 पे सेल करता है, then makes a net profit of 300. ये सब करने के बाद उसको 300 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या क्या हुआ, उसने 100 पेन्स हैं वो 12 रुपीज पे बेचे, और जो बचे हुए पेन है उसने 11 रुपीज पे सेल किए, और उसमें से उसकी उसने एम्प्लॉय भी रखा है उनको बेचने के लिए, तो उसका सैलरी भी हो गया। तो उसका सैलरी देने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होता है, 300 का प्रॉफिट अर्न हो जाता है। व्हाइल ही मेक्स ए नेट लॉस ऑफ रुपीज 300 इफ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट 9, जो रिमेनिंग पेन जो 11 रुपए में बेच रहे थे, 11 रुपीज में बेच रहे थे, वो अगर 9 रुपीज में सेल करता है तो उसको 300 का लॉस हो जाता है। तो अब पूछा क्या है, द वेज ऑफ द एम्प्लॉय इन रुपीज, तो एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, 8 रुपीज में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 8, और सेलिंग प्राइस कितने पेन्स के लिए, 100 पेन्स के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 12। तो ईच पेन पे कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो 4 का। तो अब देखिए कि 4 पेन्स हैं हमारे पास, 400 पेन्स हैं, वो कितने पे सेल कर रहा है प्रॉफिट पे, 100 रुपीज पे, ठीक है। प्लस जो रिमेनिंग पेन्स है, सपोज रिमेनिंग पेन्स में मान लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स, जो हमें पता नहीं, तो एक्स ये क्या हो गया, एक्स ये किस पे सेल कर रहा है, कितने प्रॉफिट पे, अगर 8 रुपीज में उसने खरीदा है, 11 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 3 पे, ठीक है। सिमिलरली अब उसमें एक चीज और क्या है, उसका वेज है, उसने एम्प्लॉय को भी हायर किया है ये सब बेचने के लिए, तो एम्प्लॉय का वेज को डब्ल्यू से, ये सब करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होता है, ये पहला प्रॉफिट, देन दिस प्रॉफिट, एंड देन वेज, ये सब करने के बाद उसको कितना होता है माइनस, सॉरी वेज क्या होगा, उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस अगर मैं वेज कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 300 का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है वो तो माइनस ही करनी पड़ेगी ना। अब सेकंड चीज में क्या बोला है उन्होंने, कि जो 11 रुपए में जो पेन बेच रहा था उसको क्या कर दिया उन्होंने, ही सेल्स एट 9, तो ये तो सब सेम रहेगा कि 100 पेन्स तो उसने 4 प्रॉफिट में बेचा है, प्लस अब 8 रुपए में वो खरीद रहा है एंड 9 रुपीज में वो बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट कितने का, वो 1 का, तो एक्स इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, और ये सब करने के बाद उसको कितना हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस कितने का, माइनस, लॉस 300 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। अब हमें फाइंड आउट, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या निकालना, वेजेज निकालना है, तो सीधा अगर मैं इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए इसको ऐसे देख लेते हैं अपन, इसको ऐसे देख लेते हैं कि मल्टीप्लाइड 3 करने के बाद ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाती है, तो ये 100 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3x माइनस 3w विच इज इक्वल टू माइनस 900, ओके। तो अब इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस माइनस एंड प्लस एंड प्लस, तो ये 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1200 माइनस 400 करूँगा तो मैं क्या बचेगा, 800, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 800, ओके। देन यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 2w माइनस 3w, तो 2w, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 900 प्लस 900 प्लस 300 इज इक्वल टू 1200 अगेन, तो यहाँ से क्या आया, दिस विल कम आउट एज 2w विच इज इक्वल टू 2000, सो w विच इज इक्वल टू 1000, तो सैलरी कितनी हुई, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हुई रुपीज में, वेजेस कितना हुआ इज इक्वल टू 1k रुपीज। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर, कुछ नहीं था, सिर्फ दो इक्वेशन बनी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें जो w की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एज यूजुअल। ए मैन बाइज 35 kg ऑफ सुगर, ओके, सेट ए मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक ऐसा मार्क प्राइस सेट करता है जिससे वो 20% प्रॉफिट अर्न कर सके। ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस,
जो भी उसने मार्क प्राइस सेट किया 5 kg शुगर आउट ऑफ 35 kg वो इसी प्राइस पे बेचता है, मतलब 20% प्रॉफिट पे। देन 15 kg ऑफ 15 kg शुगर एट 10% डिस्काउंट। अब जो भी उसने मार्क प्राइस सेट किया है 20% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, उसमें से माइनस 10% उसको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट कर देता है। एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ शुगर, देखिए तो इसको मार्क करते जाते हैं, 3 kg ऑफ शुगर, 3 kg ऑफ शुगर इज वेस्टेड, तो 3 kg शुगर उसका खराब हो जाता है, तो वो खत्म हो गया, ठीक है। ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्क प्राइस बाय पी परसेंटेज। रिमेनिंग शुगर है वो मार्क प्राइस को पी परसेंट से रेज करता है, सो वो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का अर्न कर, ये सब करने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट कितने का, 15% का, और 15% का ओवरऑल प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो इसमें पूछा है देन पी इज नियरेस्ट टू, तो वो कितना मार्क प्राइस अप करे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसमें देखिए सब हमारे पास क्या है, 35 हमें दिया हुआ है, 35 kg शुगर है हमारे पास, ठीक है। 35 kg में से उन्होंने क्या क्या स्प्लिट किया, देखिए कौन कौन से पार्ट बनाए। 35 kg में से 5 kg तो यूजुअल प्राइस पे 20% प्रॉफिट पे, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, 35 kg शुगर है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट पार्ट है 5 kg, तो 5 kg को कितने पे सेल करते हैं, 20% प्रॉफिट पे। देन नेक्स्ट 15 kg को 10% डिस्काउंट, 15 kg 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट को मैं डी से डिनोट करता हूँ। और 3 kg क्या होता है, वेस्टेड, तो वेस्ट को W से, एंड जो रिमेनिंग है वो, अब देखिए 5 + 15 + 3 इसका मतलब 18, और 35 - 18 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 kg को क्या बेच, 12 kg को कैसे बेचते हैं कि बाय रेजिंग द पी परसेंट, जो भी मार्क प्राइस किया है उस पर पी परसेंट को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इस तरीके से मैं सेल करता हूँ। तो सपोज मैं ले रहा हूँ, मेरा सपोज 1 kg ऑफ शुगर प्राइस है पर केजी प्राइस ले लेता हूँ मैं इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। पर केजी प्राइस कितना हुआ, 100 रुपीज हुआ, 100 रुपीज। अब उसमें मैंने क्या किया, 20% प्रॉफिट, तो फर्स्ट आ गया कि मैं 20% प्रॉफिट का उसमें मार्कअप कर रहा हूँ, तो इसका 20% का अगर मैं प्रॉफिट इंक्रीज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 120, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो अब देखिए 5 kg है वो किस रेट पर बेच रहा है, 120 पे, प्लस जो नेक्स्ट 15 kg है, नेक्स्ट 15 kg है वो किस पे दे रहा है, 10% डिस्काउंट पे, तो जो नेक्स्ट 15 है वो 10% डिस्काउंट पे, तो 120 इंटू 10% डिस्काउंट का मतलब 1 - 0.10, करेक्ट, 1 - 0.10। तो इसको अगर मैं सिंपली ऐसे लिख लूँ, 120 इंटू 0.9, कोई गलत होगा, नहीं होगा। देन 3 kg वेस्ट हो जाते हैं तो उसका कोई रोल नहीं है। अब क्या बोला कि 12 kg जो है वो जो भी मेरा मार्क प्राइस है उसमें वो क्या करते हैं, पी परसेंट का इंक्रीज कर देते हैं, पी परसेंट का इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 1 + p / 100, तो पी परसेंट का इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट अर्न होता है, 15% का प्रॉफिट अर्न होता है, तो 15% का प्रॉफिट अर्न होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 35 × 1.15 ऐसा कुछ आएगा हमारा। और ये सब, अब देखिए ये इक्वेशन क्या बनी है, एक इक्वेशन बनी है और एक ही अननोन है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो मेरी पी की वैल्यू आएगी, पी विल कम आउट एज 25% नियरेस्ट टू। तो इस इक्वेशन से देखिए समझने वाला पार्ट कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब बाकी क्या है, कैलकुलेशन जो आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है तो मेरा 25% आ गया। आपको भी कैलकुलेशन करनी है, आप अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके स्पीड मैथ के कुछ लेक्चर्स देखते हैं, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये कैलकुलेशन आसानी से कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे कैट 2020 स्लॉट 1 में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं इसका आसान तरीका क्या है। ए पर्सन स्पेंड्स ₹50,000 टू परचेज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ए लैपटॉप कंप्यूटर, दो चीज़ें परचेज करना है, उसके पास बजट है 50K, लैपटॉप कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट एंड लैपटॉप एट 10% लॉस। डेस्कटॉप को वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है और लैपटॉप को 10% लॉस पे सेल करता है, ठीक है। इफ ही ओवरऑल मेड 2% प्रॉफिट, ये सब करने के बाद वो 2% का प्रॉफिट अर्न कर पाता है, 2% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो पूछा है कि इन रुपीज द परचेज प्राइस, द प्रॉफिट
इन रुपीज ऑफ डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का उसको परचेज प्राइस बताना लगाना है कि डेस्कटॉप का परचेज प्राइस क्या। सपोज डेस्कटॉप का प्राइस मैं ले लेता हूँ एक्स रुपीज, ठीक है। अगर डेस्कटॉप का एक्स रुपीज है और टोटल हमारे पास 50 के अमाउंट है, तो लैपटॉप का कितना हो जाएगा? लैपटॉप का हो जाएगा 50K माइनस एक्स, करेक्ट। अब बोला है कि डेस्कटॉप को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, तो एक्स इंटू 20% प्रॉफिट का मतलब 1.2, और लैपटॉप को कितने पे सेल करता है? 10% लॉस पे। तो 50K माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 10% तो 29। यहाँ तक होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर ये सब चीज़ें अभी भी आपको क्लियर नहीं है, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए, आपको क्लियरिटी आएगी कि ये कैसे कर रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी इसको लेके, ठीक है। और ये सब होने के बाद उसको कितना होता है? 2% का प्रॉफिट। तो 50,000 का 2% कितना होगा? 1,000। तो टोटल अमाउंट होगी 51,000। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो 1.2x प्लस 50K का 90% 45K माइनस 0.9x विच विल कम आउट एज, तो ये मेरा आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 0.3x विच इज इक्वल टू 51 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 51K माइनस 45K, तो ये कितना हो गया 0.3x विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6K, तो x विच इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय 0.3, तो यहाँ से ये पॉइंट को हटाऊँगा, तो मैं 10 ऊपर गया, तो 3 इंटू ये कितना आ गया, तो 20K मेरा अमाउंट आ गया x का, और x का अमाउंट कितना है डेस्कटॉप का, कितना आ गया, तो 20K। तो दिस इज़ माई आंसर, तो 20,000 प्राइस होगा डेस्कटॉप का। इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आप एक चीज़ समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और मल्टीप्लाइंग फैक्टर काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें हैं, तो आप उनको आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके क्लैरिटी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कैट 2018 स्लॉट 1 में। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन लेंथी है तो समझते हैं अच्छे से, और फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए बोला है, ए होल सेलर बॉट वलनट्स एंड पीनट्स, द प्राइस ऑफ वलनट पर केजी बीइंग थ्राइस ऑफ पीनट। तो पीनट का जितना प्राइस है उसका थ्राइस क्या है वलनट का प्राइस। ही सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट्स एट द प्रॉफिट। 8 kg क्या है पीनट्स, कितने प्रॉफिट पे? 10% पे। एंड 16 kg ऑफ वलनट्स एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 8 kg उसके पास क्या है पीनट्स हैं, और 16 kg क्या है उसके पास वलनट है, उनको 20% प्रॉफिट पे सेल करता है। हाउ एवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वलनट्स। अब देखिए इसमें क्या है, होलसेलर ने किसको बेचा? शॉपकीपर को। इसमें देखिए दो लोगों का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो होलसेलर ने बेचा शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर के पास 5 kg वलनट लॉस्ट हो गए और 3 kg पीनट, ये सब उनके पास लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिट, रास्ते में कहीं लॉस्ट हो गए जब वो चीज़ों को अरेंज कर रहे थे तब, ठीक है। देन ही मिक्स द रिमेनिंग नट्स एंड सोल्ड द मिक्सचर ऑफ RS मिक्सचर एट द RS 166 पर kg। तो उन दोनों को मिक्स करता है और 166 पर kg के हिसाब से उसको सेल कर देता है। थस द मेकिंग एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। और ये सब करने के बाद वो 25% का ओवरऑल प्रॉफिट अर्न करते हैं। देन वॉट एट वॉट प्राइस इन द पर kg डिड द होल सेलर बाई द वलनट। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे पर, हमारे पास दो पीपल हैं, एक तो है होलसेलर को WH होलसेल, और एक है हमारे पास शॉपकीपर, तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो होल सपोज मैं पीनट की प्राइस ले रहा हूँ, पीनट की प्राइस x ले रहा हूँ, तो वलनट की कितनी हो जाएगी थ्राइस, तो 3x। अब देखिए बोला क्या है मुझे कि जो होलसेलर है वो देन ही 8 kg पीनट्स को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, 8 kg और 16 kg वलनट को प्रॉफिट पे कितने पे 20%। तो हमारे पास 8 kg ये हैं, उनको कितने प्रॉफिट पे 10, 8 into, अब ये क्या होगा, ये क्या हो गया प्राइस, ठीक है, ये क्या हो गया प्राइस पर केजी, ठीक है। तो ये क्या हो गया फाइनल प्राइस। अब 8 kg का पर केजी से प्राइस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल प्राइस आ गया उसको कितने पे 10% प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट का इसका मतलब क्या हुआ, इनटू 1 1 10 डिवाइड बाय 100,
ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो गया, इसका हो गया पीनट्स का ये, और वलनट्स का कितना हो जाएगा, 16 केजी है और पर केजी प्राइस क्या है, 3x है इनटू कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे लिखा हुआ है 20%, तो 120 डिवाइड बाई 100, सो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं शॉपकीपर पे। अब ये क्या है, ये क्या है इसका, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके लिए, होलसेलर के लिए। अब देखिए जो शॉपकीपर है उसका 3 kg और 5 kg पीन, 3 kg वलनट और 3 kg पीनट और 5 kg वलनट इन ट्रांजिशन में कहीं खो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 kg। तो बचे कितने, अगर मैं ऐड करूं 8 + 16 तो टोटल कितने थे, 24 माइनस 8 इसका मतलब 16। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 16 kg नट्स बचे हैं उसके पास, और कितने के प्राइस से बेचता है, 166। तो ये अमाउंट आ गया कितना, 2656, ये मेरे पास ये अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब आप एक चीज़ को समझिए, जो सेलिंग प्राइस होलसेलर का होगा वो शॉपकीपर के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो अब इन्होंने क्या बोला है, थस मेकिंग ए ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। ये क्या है, 25% प्रॉफिट अर्न करता है इस अमाउंट में, और ये क्या क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर मैं सेलिंग प्राइस को जो मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस है उससे डिवाइड कर देता हूँ, मेरा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 2656 डिवाइड बाई 25% का मतलब क्या हुआ, 125 × 100, और ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो दिस विल कम आउट एज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। तो दोनों को इक्वलेंट करते हैं, तो यहाँ से अगर मैं एक सोल्व करता हूँ, इसको ऐसे देख लीजिए अभी, टू सिक्स फाइव सिक्स 125 × 100, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x विल कम आउट एज 32, x की वैल्यू 32 आ जाएगी, और हमें किसका प्राइस निकालना है, वलनट का। तो वलनट का क्या है, 3x, तो वलनट का 3x, तो w इक्वल टू 3 × 32, तो इससे कितना आ जाएगा, 96, तो 96 पर केजी, क्योंकि ये हमने जो प्राइस लिया था वो पर केजी का लिया था। तो देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसका आसान तरीका क्या हो सकता है। देखिए कैट 2017 स्लॉट 2 में आया हुआ क्वेश्चन, बोला हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू ए होलसेलर डीलर एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को बेचता है 10% प्रॉफिट पे। होलसेलर है, देखिए इसमें कई हेड है, मैन्युफैक्चरर है वो किसको बेचता है, होलसेलर को। अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, मैन्युफैक्चरर किसको बेचा, होलसेलर को, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। देन उसके बाद होलसेलर्स होलसेल डीलर सेल इज टू टेबल टू रिटेलर, ये रिटेलर को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट पे। ओके, एंड फाइनली रिटेलर सेल इट्स टू द कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। अब रिटेलर किसको सेल कर देता है, कस्टमर को, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 50% प्रॉफिट पे। इफ द कस्टमर पेज 24290, ये सब होने के बाद कस्टमर कितना पे कर देता है, ये सब होने के बाद कस्टमर को पे करना पड़ता है 4290 अमाउंट। ठीक है, देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज यहाँ से x, तो यहाँ से x चली, तो 10% इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो गया, x इंटू 1110 डिवाइड बाई 100, देन इसमें 30% इंक्रीमेंट, तो इसमें 30% इंक्रीमेंट हुआ तो 130 डिवाइड बाई 100, और ये जो भी अमाउंट बनी उसमें 50%, तो 150 डिवाइड बाई 100, और फाइनल ये सब होने के बाद फाइनल कितना आ जाएगा, 4290 ये कस्टमर को पे करना पड़ा इतना सब होने के बाद में। 10% प्रॉफिट किसने अर्न किया इसमें, मैन्युफैक्चरर ने, फिर होलसेलर ने 30%, फिर रिटेलर ने 50%, और उसका प्राइस जाके हो गया 4290। तो अब देखिए हमें यहाँ से सिंपली, हम मैं इसको सब को उधर भेज देता हूँ, तो ये आएगा 2145। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज 10 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, तो वहाँ से हो जाएगा 4290 इनटू दिस 10 उधर गया। ठीक है, तो इससे मैं अगर कट करूँगा तो ये आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी, 2000 रुपीज़, तो वो बढ़ते बढ़ते 4290 तक पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया अपना। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 2017 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। इफ़ इस पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ़ ए सेलर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द रिटेल प्राइस, जो भी रिटेल प्राइस है उसका, उस पर 15% का डिस्काउंट देता है, एंड सी स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, ये सब करने के बाद भी वो 2% का प्रॉफिट अर्न करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट द सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अब हमें बताना है कि 20% प्रॉफिट कब इंश्योर होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, गिव ए डिस्काउंट of 5% at the retail price, give a discount of 2% on the retail price, increase the retail price by 2% and sell at the retail. तो सबसे पहले हम इसको एक अपना जो डायग्राम है उसके थ्रू समझते हैं। सपोज इसको देखते हैं कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारा रिटेल प्राइस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट ये होता है मार्कअप, मार्कअप और ये कितना होता है डिस्काउंट। ये डायग्राम इस तरीके से चलता है, मतलब कॉस्ट प्राइस में मैं कितना मार्कअप कर रहा हूँ वो रिटेल प्राइस बनता है, रिटेल प्राइस में कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ वो सेलिंग प्राइस बनता है, और कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस है वो क्या बनता है, अपना सेलिंग प्राइस। अगर ये आप ये कंसेप्ट में अभी भी आपको दिक्कत हो रही थी, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें यह इसमें बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो अब देखिए, अब मैं इस डायग्राम को मिटा के दोबारा से चीज़ें सोल्व करना चाह रहा हूँ। देखिए कि सपोज मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, सपोज मैं कॉस्ट प्राइस मेरा 100 ले रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2% का, 2% का प्रॉफिट हुआ तो मेरा जो सेलिंग प्राइस बन गया वो कितना बन गया, 102 बन गया, और रिटेल प्राइस सपोज मैंने ले लिया एक्स, उसमें मैंने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 15%, मतलब 15% डिस्काउंट देने के बाद मेरी क्या अमाउंट बनी, ये अमाउंट बनी 15% डिस्काउंट के बाद मेरी क्या अमाउंट बनी, 102। तो x क्या होगा, तो x को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि अगर मैं x फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो 102 डिवाइड बाई 0.85, मतलब 85% ये है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120, x विल कम आउट 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिटेल प्राइस है वो क्या है, 120। तो अब हमें यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब हमें करना है कि कौन से कंडीशन है जो इंश्योर करती है कि सी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट कब होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है, रिटेल प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100, रिटेल प्राइस कितना है, 120। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो रिटेल प्राइस पे ही सेल करेगी तभी तो 20% का प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, बिकॉज अगर इसमें कुछ भी उन्होंने डिस्काउंट दिया या फिर कुछ भी ऐड किया तो वो तो या तो ज़्यादा हो जाएगा 20% से या फिर कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल एट रिटेल, उसे रिटेल प्राइस पे ही सेल करना पड़ेगा, देन ओनली सी कैन मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है 2017 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ ए मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। दो क्वालिटीज हमारे पास, मीडियम और गुड, जो प्राइस है वो हाफ है मीडियम क्वालिटीज का और गुड की कंपेरेटिवली। ठीक है, इस शॉपकीपर बाइज 80 kg ऑफ गुड मैंगोज एंड 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगोज ओके फ्रॉम द मार्केट एंड सेल दीज। अब इन सबको बेचता है द प्रॉफिट, सॉरी इसको आप प्रॉफिट एट ए, यहाँ से आप ये कट कर लेना, सेल दीज एट ए कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बोट द गुड वंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड क्वालिटीज के जो मैंगो उसने खरीदे थे उस प्राइस का 10% लेस पे वो दोनों को बेचता है। ठीक है, देन हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज, तो पहले इसको देख लेते हैं, बाई जो बाई करता है देन उसके सेल करता है। और एक चीज़ सपोज लेट मैं मान लेता हूँ कि पर केजी, सपोज गुड क्वालिटी मैंगोज का पर केजी प्राइस है, पर केजी कितना, 100 रुपीज़ पर केजी गुड क्वालिटी, फॉर गुड क्वालिटी मैंगोज। तो ये मैं लेट कर रहा हूँ कि गुड क्वालिटीज़ के लिए मैं 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ पर केजी ऑफ मैंगो के लिए। तो मेरे पास कितने 80 kg क्या है, गुड है, तो प्राइस कितना है 80 kg का, 100, और 40 kg क्या है मेरे पास मीडियम क्वालिटी, तो उनका प्राइस कितना है, बोला कितना, हाफ, पहले में बोला हाफ ऑफ, तो आधा है, तो आधा कितना, तो कितना हो गया, ठीक है, तो ये टोटल टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 और ये 2000 सॉरी
2000 टोटल हो गया 10,000। इधर से मैंने बाई किया 10,000 पे। अब मैं सेल क्या कर रहा हूँ, सेल कैसे कर रहा हूँ, सेल को समझो। मैं सेल कर रहा हूँ एक कॉमन प्राइस पे, मीडियम क्वालिटी और गुड क्वालिटी मैंगोज को एक मैं कॉमन प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। और वो कॉमन प्राइस क्या मैंने सेट किया है कि 10% लेस देन द प्राइस एट द विच ही बोट द गुड वंस। जो अच्छे वाले मैंगो उसने बाई किए थे उसका 10% लेस। तो अच्छे वाले मैंगो कितने पे बाई किए थे, 100 kg पे, तो उसका 10% लेस कितना हुआ, 90। तो टोटल कितने मैंगो हो गए, 120 kg गुड और मीडियम क्वालिटी, क्योंकि दोनों को वो एक साथ बेच रहा है एक प्राइस पे, सेम प्राइस, कॉमन प्राइस बोला एट ए कॉमन प्राइस। और कितना हो गया 10% लेस, 100 का 10% लेस 90। तो ये कितना हो जाएगा, 108,000। तो इस पर कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। तो अब देखिए मुझे क्या पूछा, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 10,800 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 800 इंटू 100 डिवाइड बाई 10,000। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट आ गया, 8% प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया मैंने, 8% प्रॉफिट अर्न किया। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कैट 2017 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट पे 60 आइडेंटिकल टॉयज बेचती है ऑन द प्रिंटेड प्राइस, देन सी मेक्स 20। ऐसा करने के बाद 40% डिस्काउंट देने के बाद वो 20% प्रॉफिट अर्न करती है। ओके, अब बोला है कि 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड, उसमें से खराब हो जाते हैं इन फायर, ठीक है। व्हाइल सेलिंग द रेस्ट हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट सी कैन मेक सम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है मुझे 50 टॉयज से, क्योंकि 10 टॉयज मेरे क्या हो गए, खराब हो गए। तो इसको इस तरीके से देखते हैं, हमने अभी देखा था कि सपोज मैं लेता हूँ कि हमारे पास 60 आइडेंटिकल टॉयज है और पर टॉय में प्राइस ले रहा हूँ 100 rupees, 100 rupees मेरा पर टॉयज प्राइस है। तो 60 आइडेंटिकल टॉयज का प्राइस कितना हो जाएगा, 60 into, और इसमें मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 20%। तो 20% ऑफ 6000 इज इक्वल टू 1200, तो 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऐड करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा वैल्यू 72। कैसे बनी, ये कितना हो गया 6000 का 10% कितना हुआ, 600, तो 20% कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 इसमें मैंने ऐड किया। और ये सब 1200 कब आया, जब मैं उसको क्या दे रहा हूँ, जो भी मेरा मार्क प्राइस है उसमें से मैं कितना दे रहा हूँ डिस्काउंट उसको, 40%, 40% मैंने क्या दिया डिस्काउंट दिया, उसके बाद क्या है 72,000 rupees आया। तो अब देखिए एक चीज़ आप समझिए कि किसी भी चीज़ का 40% मतलब किसी भी चीज़ में से 40% माइनस करने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60% कितना होगा। तो ये कितना हुआ, तो 7200 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 100 इसको रिमूव करने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1200। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 1200, तो यहाँ से कितना आ गया 1200 rupees। ओके, यहाँ से 1200 rupees आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6000 से 1200 कितना, तो 200% क्या हुआ, मार्कअप कितना हुआ, 200% का मार्कअप हुआ। अब इधर देखिए हमारे पास क्या है, 50 टॉयज हैं, ईच का प्राइस हमने ऑलरेडी लिया हुआ है 100 rupees, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है कि जो प्रॉफिट है वो सेम है, प्रॉफिट अमाउंट सेम है, तो इसका मतलब क्या है, 72,000 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7200। और मार्कअप हमें पता है कितना परसेंट होता है, 200%, तो मार्कअप अगर 200% हो जाएगा तो ये अमाउंट बन जाएगी 10,000। अब मुझे 10,000 को अब पूछा है कि कितना डिस्काउंट दूँ है कि ये अमाउंट मेरा 7200 बन जाए। तो 10,000 को अगर मैं 7200 करना है तो सिंपली आई कैन सी दैट आई 28% मुझे क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो देखिए थ्रू द डायग्राम, हेल्प ऑफ द डायग्राम अपन कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाए, क्योंकि 10,000 को मुझे 7200 बनाना है तो मुझे 28% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आंसर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।